हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मात्र 2 से 3 बूंद तेल में बनने वाला एकदम नया और बहुत ज्यादा चटपटा नाश्ता। ये नाश्ता आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी ये नाश्ता काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटी आती है उसे भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से को देख सके। तो चलिए फ्रेंड, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप तक चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चावल के आटे को एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। तो चावल का आटा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 कच्चे आलू के लच्छे। तो हमने यहाँ पर इसे बहुत ही अच्छे से कद्दूकस करके अच्छे से वॉश कर लिया था। तो इसे हम डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पत्ता गोभी। तो इन सभी चीजों को हमने बहुत ही अच्छे से बारीक कट कर लिया था। इसके बाद हम इसमें कद्दूकस की हुई गाजर को डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ टमाटर। तो इन सभी चीजों को डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा कप सूजी। तो यहाँ पर सूजी मोटे दाने की हो या फिर महीन, आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप तक फ्रेश दही। तो यहाँ पर जो भी दही आप इस्तेमाल करें वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड, ये नाश्ता काफी ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल का इस्तेमाल किया है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे अब हम साइड कर लेंगे और अब अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एक इस तरह का इमामदस्ता ले लेंगे। उसमें हम डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियां और 3 से 4 ही हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। और अब इन सभी चीजों को डालने के बाद हम इसमें 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा डालेंगे और इन सभी चीजों को हम बहुत ही अच्छे से कूट लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हमारा मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाएगा तब हम इसे अपने नाश्ते में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ इस तरह का दरदरा पेस्ट बनाया है। अगर आपके पास इस तरह के कुटनी नहीं है तो आप अपनी मिक्सिंग जार में भी इसे डालकर अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी चीजों को मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/4 चम्मच जितना हम इसमें डाल देंगे मीठा सोडा। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा मिक्सचर अब बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। तो अब अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे छोटी छोटी कटोरियाँ। तो यहाँ पर अमूमन सभी के घरों में ऐसी कटोरियाँ होती हैं। आपके पास जिस तरह की भी कटोरियाँ हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 साइज की कटोरियों का इस्तेमाल किया है। तो अब अपनी सारी कटोरियों में हम 2-2 बूंद तेल डालेंगे और अच्छे से अपनी कटोरियों के चारों तरफ तेल लगा देंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो नाश्ता है वो नीचे से चिपकेगा नहीं और जब भी हम इसे निकालेंगे ये बहुत ही इजिली निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी सारी कटोरियों में बहुत ही अच्छे से तेल लगा दिया है। तो अब अपने तैयार किए हुए मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको इसमें बहुत ज्यादा मिक्सचर को फिल नहीं करना है, बस 2 से 3 चम्मच आप मिक्सचर को डालिए और इस तरह से आधी आधी कटोरी अपनी भर लीजिए। इस तरह से हम अपनी सारी कटोरियों में अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी सारी कटोरी में मिक्सचर को अच्छे से फिल कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे स्टीम करने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टीमर तैयार करके रखा था, तो अब इसमें हम स्टैंड डाल देंगे। तो अब हम अपनी सारी कटोरियों को इस स्टैंड पर अच्छे से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। तो अब इसे हम ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम करेंगे, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जब तक ये अच्छे से पक रहा है तब तक ये अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो अब एक बोल में हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें हम हल्दी डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला और 1/2 कप तक हम इसमें डाल देंगे चावल का आटा। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप जितना पानी और इसे डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा घोल अच्छे से रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, इसे अब हम साइड में कर लेते हैं और अब अपने नाश्ते को हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपने नाश्ते को 10 से 15 मिनट अच्छे से स्टीम कर लिया है। ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसे अब हम ठंडा होने के बाद डिमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जब ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाए तब अपनी नाइफ की हेल्प से हम इस तरह से इसके किनारे की साइड को अच्छे से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजिली निकल जाता है और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी जालियां पड़ी हैं। तो इसी तरह से हम अपने सारे नाश्ते को निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो यहाँ पर हम एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म होने के लिए रख देंगे।
तो यहाँ पर जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो इसके साथ हमने जो अपना बटर तैयार किया था उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया और उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अपने तैयार किए हुए नाश्ते को हम इस तरह से बैटर में डालकर अच्छे से डिप करेंगे। तो अपने नाश्ते को हम अच्छे से बैटर में कोट करके डायरेक्ट गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमने इसे बहुत ही अच्छे से कोट कर लिया है, तो इसे अब हम एक एक करके तेल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। तो जैसे ही हमारा नाश्ता एक साइड से बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगा तभी हम इसे पलटेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद जब ये एक साइड से काफी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसे पलट देंगे और इसे दूसरी साइड पलटकर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे बनाने में बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल हमने किया है और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से हम अलटते पलटते इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे और जैसे ही ये बहुत ही अच्छे से कलर में आ जाएगा हम अपने नाश्ते को तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। तो अब इस टाइम पर अपने नाश्ते को हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। बनकर तैयार है हमारा ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी प्लस चटपटा नाश्ता। और आपको मैं इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ, ये अंदर से जितना सॉफ्ट है बाहर से उतना ही क्रिस्पी। हमने इस नाश्ते में बहुत सारी वेजिटेबल का इस्तेमाल किया है तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कॉमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई मजेदार रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।